हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे सहमांस गार्डनी में स्वागत है। आज मैं आपको सदाबहार फ्लावर के बारे में बताऊंगी, जो आपको 12 महीने फ्लावर देता है थोड़ी सी केयर करने से। अगर केयर करेंगे अच्छे से तो आपका फ्लावर हमेशा बरसात में, गर्मी में भी और विंटर में भी देगा। थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी बस आप लोगों को। देखिए, इस फ्लावर का नाम है डायन्थस। ये काफ़ी कलर में आता है, आप पिंक, रेड, वाइट, देखिए मेरे पास वाइट है, पिंक है और प्योर वाइट है, देखिए। और पिंक कलर में भी, रेड में भी रहता है और बहुत ज़्यादा छोटा सा पेड़ होता है, देखिए ज़्यादा लंबा नहीं होता है, 4 इंच 5 इंच का होता है, 6 इंच हो जाए उससे ज़्यादा नहीं, ये मेरे उससे छोटा पेड़ है। और देखिए ये, देखिए कम से कम 6 इंच का है ये, देखिए इसकी लंबाई देख लीजिए, इस पेड़ के बराबर की है इसकी। थोड़ी सी केयर करनी है, सिंगल है, इसके साथ लग गया है इसलिए, नहीं तो और इस पंछी तो मैं इसको चेंज कर दूँगी दूसरे पॉट में। फिर देखिए, और इसमें कलर बहुत अच्छे अच्छे होते हैं और बहुत गुच्छे में फूल खिलता है। और देखिए ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, सीड से भी ग्रो होता है, और आप इसको इस तरह से भी ग्रो कर सकते हैं। आप इसको अगर ज़्यादा आपका घना हो जाए तो इसकी जड़ से निकाल दीजिए अलग से, उससे भी आप ग्रो कर सकते हैं। और कटिंग से ऐसे ग्रो करेंगे, देखिए आप जिसमें फ्लावर ना हो, देखिए इसमें मेरे में फ्लावर नहीं है, कोई कली नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से कटिंग करूँगी। आपको दिखा दो थोड़ा पास से, यहाँ से कटिंग करूँगी। और जैसे मैंने इसमें यूज करती हूँ मिट्टी, इस तरह सी मिट्टी में आप इसको लगा दीजिए कटिंग को, और कम से कम आपके 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में इसकी कटिंग आ जाएगी, फिर ये फ्लावर बहुत जल्दी देने लगता है। सीड से भी करना अच्छा रहता है, सीड से ये होता है प्रॉब्लम कि आपको फ्लावर जल्दी चाहिए होते हैं, तो सीड आने में टाइम लगता है, कम से कम 5-6 दिन में आपकी सीड आएगी, और कम से कम आपको उसमें 1-1.5 महीने लग जाएंगे उसमें फ्लावरिंग आने में। और इसमें मैं आपको इसकी मिट्टी के, इसमें मिट्टी के बारे में बता देती हूँ। मैं सभी फूलों में एक ही तरह की मिट्टी यूज़ ज़्यादातर करती हूँ, 20% रेत हो गई, 20% आपकी कोकोबीट, या आप इसको कोई भी खाद का ले सकते हैं, गोबर की खाद, और 50% आपकी हो गई हमारी गार्डन मिट्टी। आप इसको मिक्स करके, और या आपके पास पॉट फ्लावर हो तो आप लगा लीजिए, और नहीं तो आप नर्सरी से, किसी भी नर्सरी से आपको ये मिल जाएगा। ये विंटर का सीज़न है तो इसमें आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे, हर गार्डन में, हर नर्सरी में आपको ये फ्लावर मिल जाएंगे। और देखिए, और उसको लगा दीजिए। और एक बात रखिए, जब भी आप कोई पॉट में फ्लावर लगाते हैं तो आप इसकी जब पॉलीथीन निकालेंगे, तो पॉलीथीन को जब आप इसको इसमें शिफ्ट करेंगे, तो पॉलीथीन से जब निकालेंगे उसकी सारी मिट्टी मत करिए, कुछ हल्की सी जड़ें इधर उधर निकाल दीजिए, फिर इसको लगाइए, तो इससे आपकी ये मिट्टी की जड़ें अब्जॉर्व करने लगता है, इसको पकड़ लेती है, तो इसे बहुत जल्दी इसके अपने स्टेज पे आ जाता है। देखिए कितने प्यारे प्यारे मेरे फूल लग रहे हैं। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, इसकी किस तरह से इसको लगाना है, और इसको अब किस तरह इसको कहाँ रखेंगे क्या। इसको फुल सनलाइट बहुत पसंद होती है, वो भी विंटर की, समर की आपको सनलाइट बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो इसमें आप इसका पेड़ आपका झुलस जाएगा, तो इसको विंटर में आप फुल सनलाइट पर रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छे फूल देंगे विंटर में आपको ये, देखिए बहुत प्यारे प्यारे फूल देंगे। देखिए मेरा पिंक कलर का है। और समर में आप इसको थोड़ा सा किसी पेड़ के नीचे या आप नेट के नीचे भी रख सकते हैं, शेड एरिया में रखिए, ज़्यादा सन डायरेक्ट सनलाइट नहीं आए, हल्की सी सनलाइट आती रहे तो आपका पेड़ बहुत अच्छा चलेगा गर्मियों में भी। और बरसात में तो भैया आप जानते हैं, सारे पेड़ों को पानी बहुत अच्छा लगता है बरसात का, आप बरसात में इसको अच्छे से रख सकें। हाँ, ये रखिए ध्यान कि ऊपर ओवर वाइटिंग ना रहे, ऐसा रखिए कि थोड़ा सा पानी इसको बरसात का मिलता रहे, तो बहुत अच्छे से इसको ग्रो करेगा। और ज़्यादा पानी भी इसको विंटर में देने की ज़रूरत नहीं है, कि ये कम पानी यूज़ करता है, ज़्यादा पानी यूज़ करने से इसमें इसकी जड़ें ये गल जाएंगी, तो आप इस तरह से पानी दीजिए। देखिए अभी मेरी मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्चर है, ये ड्राई हो जाए तब आप इसमें, देखिए इस तरह से मिट्टी है ये, देखिए मेरी, मैंने इसको कल पानी दिया था 12 बजे करीब, और देखिए अभी भी मिट्टी इसकी मॉइस्चर, तो मैं इसको कल दूंगी पानी, दूसरे तीसरे दिन देती हूँ पानी। मैं ज़्यादातर पेड़ों में, अपने जितने भी विंटर के पेड़ हैं, आप फ्लावरिंग पेड़ हैं, आप इनको 3 दिन में पानी दीजिए, कि इससे उनकी जड़ें नहीं सड़ेंगी और बहुत अच्छे से केयर होगी। और मैं एक बात और बता दूँ आप लोगों को, अगर आपके पेड़ों में किसी तरह के कीट लग जाए, ज़्यादातर मैं नेचुरल चीज़ यूज़ करती हूँ, कोई केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ, मैं अपने सारे पेड़ फ्लावर्स हों चाहे किसी भी तरह के पेड़ हो, ज़्यादातर मैं खाद नीम खली या आपको सरसों की खली का वाटर देती हूँ उसको, उसी का मैं, आप ऐसा करिए, इनमें आपका ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है तो आप हर किसी भी फ्लावर में एक मुट्ठी नीम खली, एक मुट्ठी आपको सरसों की खली,
को पानी में 1 लीटर पानी में या 2 लीटर पानी में डाल दीजिए। फिर एक हफ्ते के बाद जब उसमें महक आने लगे और उसका पानी में कम से कम 5 लीटर या 6 लीटर पानी में आप उसको डाल दीजिए, फिर वही पानी आप अपने सारे पेड़ों में दीजिए। देखिए मेरे पेड़ में देखिए कितने प्यारे पत्ते हैं और कितना अच्छा कलर है मेरे पत्तियों का, और फ्लावर देखिए कितने सारे हैं इसमें। बहुत अच्छा आपको ये यूज़ करिए इसको, फर्टिलाइज़र को, बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा आपके पेड़ों पे, फूलों पे। और मेरे काफ़ी पेड़ मैंने सारे पेड़ों में यही देती हूँ, और मैं कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं नेचुरल चीज़ यूज़ करती हूँ। तो मुझे नेचुरल चीज़ बहुत पसंद है, आप भी यूज़ करिए तो फार देखिए आपके हर तरीके के पेड़ आपके बहुत अच्छे देंगे, चाहे फ्रूट्स वाले हों, चाहे आपके सो प्लांट हों या फ्लावर प्लांट हैं। आप इस ये आप यूज़ करके देखिए, बहुत फ़र्क पड़ेगा। और मैं आपको एक बार और बता दूँ, अगर कीड़े लग जाएं तो आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कम से कम 15 दिन में हर पेड़ में कर दीजिए, तो कभी कीड़े आपके पेड़ों में नहीं लगेंगे। किसी भी तरह का पेड़ हो आपका, अगर आप उसमें नीम ऑयल का यूज़ करेंगी तो आपके पेड़ बहुत अच्छे रहेंगे और बहुत अच्छे से फ्लावर देंगे, और कोई भी तरीका कीड़ा या किसी तरह की फंगस नहीं लगेगी। फंगस तो लगने नहीं, अगर आप नीम खलीर का पानी डालेंगे तो फंगस तो लगनी नहीं है, कि उसमें इस तरह से आप उसमें तत्व होते हैं जिससे हमारी इसमें कोई फंगस नहीं लगेगा, नेचुरल चीज़ है। और नीम खली का यूज करिए और नीम ऑयल का यूज करिए तो बहुत अच्छा आपको फ़र्क पड़ेगा। देखिए उसको पानी में मिक्स करके आप इसको यूज कर सकते हैं, और हफ्ते में नहीं 15 दिन में, आप ज़्यादा कीड़े लग गए हों तो 15 दिन में 2 बार कर लीजिए, और ज़्यादा उससे ज़्यादा लगे हों तो आप हफ्ते में 2 बार तो कर लीजिए यूज, तो आपका सही पेड़ बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए और मैंने आपको ज़्यादातर सारी बातें आपको बता दी हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी भी तरह का फ्लावर के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट्स कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।